स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर शॉर्ट एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों के हवाले से इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जी स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के ज़रिए हम इसके तमाम कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बहुत तवज्जो से बच्चों, आपने इसको देखना है कि ये किस तरह से आपने ड्रॉ करनी है। सबसे पहले एक लाइन इस तरह से जाएगी, इसको ऊपर राउंड करना है आपने, और इसको बिल्कुल ऐसे सीधा नीचे की जानिब लेके जाना है। इसके बाद आपने इसके अंदर भी एक लाइन बहुत हल्की सी इसी की बिल्कुल सीध में आपने ड्रॉ करनी है। कुछ इस तरह से, और इसको फिर बाद में हमने मिटा देना है। तो यहाँ पर आपने पैरामिड्स बनाने हैं, ऐसे ट्राइंगल बनेंगे। तो इस तरह करके ये बिल्कुल एग्जैक्ट अलाइनमेंट में बनेंगे। अगर हम ये अंदर वाली लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे तो इनकी तरतीब जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। रीनल पैरामिड्स के बारे में अभी हम थोड़ी देर के बाद जब ये डिस्कस करेंगे सारी बातें, तो ये बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हम अभी स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो इसको आपने ऐसे अंदर लाइनें लगा के फिल कर देना है। ये दरअसल कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। यहाँ पे भी एक बना लेते हैं। इसके बाद आपने जो दूसरा काम करना है वो नीचे से यहाँ से इसको डबल कर लेना है। और इसको ऐसे कलर कर लेना है। और इसको हमने यहाँ से ऐसे मिटा देना है। अब बच्चों, आपने यहाँ से ऐसे वी शेप यूं और यूं, इसके बाद इसको यहाँ पर यूं लाकर एक वी शेप स्ट्रक्चर यहाँ से बनेगा, और ये इस तरह से, इधर भी एक वी शेप स्ट्रक्चर, और ये इस तरह से। और फिर आपने इन तमाम को यहाँ से थोड़ा सा इसको
ये हमारा यूरेटर बाहर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रीनल ट्यूब्यूल्स हमने बनानी है जो इसके अंदर दाखिल हो रही हैं यहाँ से, और ये आपने यूं करके शो करवा देनी है। रीनल आर्टरी है और रीनल वेन है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ये हमारे पास ह्यूमन किडनी है। ह्यूमन किडनी एक डार्क बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। अगर हम रीनल किडनी किडनी के बारे में इसकी फर्दर डिटेल्स देखें तो किडनी की टोटल जो ओवरऑल इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर होती है, और अगर हम इसको इसकी वाइडनेस देखें यानी ये वाइड कितना होता है तो ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर, और इसी तरह अगर हम इसकी थिकनेस देखें तो थिकनेस इसकी तकरीबन 4 सेंटीमीटर है, और ओवरऑल अगर हम इसकी इसका वेट देखें कि ये कितना वेट रखता है तो ये तकरीबन 120 ग्राम्स होता है। तो ये कुछ इसके बारे में इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। लोकेशन की जहाँ तक बात की जाए तो किडनी जो है ये हमारे डॉर्सल साइड पर पाए जाते हैं, और जो लास्ट टू रिब्स हैं वो इनको सराउंड करती हैं, इनको प्रोटेक्ट करती हैं। किडनी की ये वाली साइड कनकेव साइड होती है और ये टूवर्ड्स होती है वर्टिब्रल कॉलम, यानी इस साइड पर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है और ये बाहर वाली साइड होती है। और इसके अलावा रीनल जो हमारे पास किडनीज हैं इनके यहाँ पर ये वाली जो रीजन है, ये रीजन जो है इसका ये डिप्रेशन होता है, गहरा स्ट्रक्चर होता है, और इस रीजन को हम बोलते हैं हाइलस। बल्कि मार्कस से इसको एलैबोरेट कर देते हैं, हाइलस। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाइलस जो है ये एग्जैक्टली वो जगह होती है जहां से यूरेटर ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ पर ब्लड वेसल्स दाखिल हो रही हैं या निकल रही हैं, लिम्फेटिक वेसल्स जहाँ से निकल रही होती हैं, तो ये रीजन क्या कहलाता है? हाइलस कहलाता है। ओवरऑल अगर हम किडनी को देखें तो किडनी को दो मेजर पार्ट्स में तकसीम किया जाता है। ये बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है और ये अंदर वाला हिस्सा मेड्यूला कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, तो दीज आर मेजर पार्ट्स ऑफ द किडनी। बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है और अंदर वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? मेड्यूला कहलाता है। कॉर्टेक्स रीजन जो है ये डार्क रेड कलर का होता है। अगर हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो इसका कलर डार्क रेड है, और अगर हम मेडुला की बात करते हैं तो मेडुला अंदर वाला हिस्सा होता है और ये पेल रेड कलर का होता है। पेल रेड कलर यानी कदरे इसकी रेडनेस कम होती है। इसके बाद जो मेडुला है इसमें ये आपको जो ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इन्हें रीनल पैरामिड्स कहा जाता है। और ये रीनल पैरामिड्स कलेक्टिंग डक्ट्स को लेकर के जाते हैं इस रीजन में, और ये वाला रीजन कदरे हाइलस से आगे वाला रीजन यहाँ पर इसको हम
पेल्विस रीजन बोलते हैं। तो ये इसके तकरीबन इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। तो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात किडनी के हवाले से ये है कि किडनी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्लड के अंदर से तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल कर उनको यूरिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली किडनीज आर स्पेसिफिक फॉर आर यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ ब्लड। तो जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की, इस फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। आम तौर पर नेफ्रॉन जो है ये एक पूरा टॉपिक है, इसको हम अलग वीडियो में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसको हम वाइंड अप करते हुए अपने इस लेक्चर को, तो ये जो किडनी है, किडनी के अंदर यहाँ पर पायरामिड्स के अंदर कलेक्टिंग डक्ट्स पाई जाती हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं ये एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं और यहाँ पर कदरे बड़ी डक्ट्स बना देती हैं जिन्हें पेपिपलरी डक्ट्स कहा जाता है। और ये पेपिपलरी डक्ट्स रीनल पेल्विस रीजन में जाकर खुलती हैं और यहाँ से यूरिटर ओरिजिनेट होता है। ये हिस्सा जो है, ये जो नाली आपको नज़र आ रही है, ये यूरिटर है। और ये यूरिटर फिर यूरिन को लेके जाते हैं कहाँ पर, किडनीज में। यानी यहाँ से यूरिन जो है ये कहाँ दाखिल होता है, सॉरी किडनीज से ये यूरिन कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर हम अगले टॉपिक में बहुत डिटेल में सारे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें काफ़ी मदद मिली होगी। तो लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।